बीते दिन पूर्व कश्मीर घाटी के अंतनाग जिले के विजय विहाड़ा में आतंकियों द्वारा गोली मारकर शहीद किए गए ट्रक ड्राइवर को आज उसके पैतृक गांव में अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर जिला प्रशासन की ओर से भी प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा पुलिस प्रशासन व जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र रैना भी मौजूद थे। बताते चले कि आतंकियों द्वारा यह ट्रक ड्राइवर को मारने की चौथी घटना है तथा कुल मिलाकर चार चालकों को अब तक आतंकियों ने निशाना बनाया। मृतक ट्रक चालक के परिजन को जिला प्रशासन रियासी की ओर से 1,00,000 रुपयों का मुआवजा दिया गया, जबकि पुलिस प्रशासन की ओर से 50,000 की आर्थिक मदद दी गई है। वहीं उपस्थित पंचों व सरपंचों ने जिला प्रशासन व राज्य प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाएगा ताकि मृतक के छोटे छोटे बच्चे अपना पालन पोषण कर सके। यहाँ पर बताना तर्कसंगत होगा कि चालक नारायण दत्त पर निर्धन 4 वर्ष पूरे हो गए थे, जबकि उसके छोटे छोटे बच्चे के पालन के लिए वर्तमान समय में कोई भी नहीं है। मृतक के बड़े भाई द्वारा इन बच्चों की देखरेख की जा रही है, जबकि उनके बच्चे अपने भी बच्चे हैं जिनके लिए मुश्किल हो जाएगा। स्थानीय लोगों, पंचों व सरपंचों ने जिला प्रशासन से मांग करते हुए मृतक चालक के बच्चे के लिए उचित आर्थिक मदद दी जाए ताकि वह पिता के अभाव में अपना जीवन यापन कर सके। नगर कटड़ा के एकमात्र सरकारी हड़ताल के परिसर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा हर्बल गार्डन की स्थापना की गई, जिसमें बड़ी संख्या में हर्बल प्रजाति के पौधों को लेकर पौधारोपण किया गया। इस मौके पर मौजूद बीएमओ कटड़ा डॉक्टर गोपाल दत्त ने बताया कि भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा काया क्लब व नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस एंड स्टैंडर्ड परियोजना के तहत इस हर्बल गार्डन की स्थापना नगर कटड़ा के अस्पताल के परिसर में की गई, ताकि मरीजों के साथ ही आसपास का वातावरण पूरे तरीके से साफ सुथरा व स्वच्छ रह सके। इसी उद्देश्य को लेकर हर्बल गार्डन की स्थापना की गई, ताकि मरीजों के साथ ही अन्य लोगों को साफ सफाई के साथ ही स्वच्छता की अनुभूति हो। इस मौके पर कटड़ा नगर पालिका अध्यक्ष मेमोल इंदु, उपाध्यक्ष अजय बडू, पार्षद वार्ड नंबर 5 राकेश चौहान, वरिष्ठ नागरिक रतन सिंह मिन्हास, हरवंश लाल, डॉक्टर विशाल शर्मा, संजय कुमार, श्यामलाल कुंडल, विजय कुमार आदि के अलावा स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे।